Hello, good morning, HRDFCOM students. So yesterday we were discussing about the applications of nanotechnology. The remaining point we will discuss that fuels. Nanotechnology can address the shortage of fossil fuels such as diesel and gasoline by making the production of fuels from the low-grade raw materials economically, increasing the mileage of engines and making the production of fuels from the normal raw materials more efficient. तो नैनो टेक्नोलॉजी आपको क्या पता क्या है यहाँ पे नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जैसे हम बोलते हैं कि जहाँ पे फॉसिल फ्यूल्स की शॉर्टेज हो जैसे हम बोलते हैं कि गैसोलाइन है डीजल है तो वहाँ से हम बोलते हैं कि मेकिंग जब उसको प्रोसेस किया जाता है उसका प्रोडक्शन किया जाता है लो ग्रेड रॉ मटेरियल्स पे जैसे हम बोलते हैं कि प्रोडक्शन ऑफ फ्यूल फ्रॉम द लो ग्रेड मटेरियल्स तो उसके लिए हम उसके लिए जब इस्तेमाल किया जाता है तो उसमें नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है जैसे हम बोलते हैं कि इंक्रीजिंग द माइलेज ऑफ इंजिन्स कि ये जो मटेरियल बनाया जाता है या ये जो फ्यूल्स बनाया जाता है तो माइलेज माइलेज ये करने के लिए माइलेज को इंजन को माइलेज इंजन की माइलेज को बढ़ाने के लिए या हम बोलते हैं कि रॉ मटेरियल से वो तैयार किया जाता है. दूसरा है क्लीनर वाटर. नैनो टेक्नोलॉजी इज बींग यूज टू डेवलप द सॉल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन टू थ्री डिफरेंट वेरी प्रॉब्लम्स इन द वाटर क्वालिटी. वन चैलेंज इज रिमूवल ऑफ द इंडस्ट्रियल वेस्ट. जैसे हम बोलते हैं कि एक तो सबसे पहले इंडस्ट्रियल वेस्ट निकाल देना सच एज क्लीनिंग द सॉल्वेंट कॉल्ड TCE फ्रॉम द ग्राउंड वाटर. ग्राउंड वाटर में से जो हम बोलते हैं कि TCE है वो निकाल देना इंडस्ट्रियल वेस्ट निकाल देना. दूसरा है नैनो पार्टिकल्स कैन बी यूज टू कन्वर्ट द कॉन्टामिनेटिंग केमिकल थ्रू द केमिकल रिएक्शन टू मेक द इट हार्मलेस कि जिससे हम बोलते हैं कि जो केमिकल रिएक्ट होते हैं केमिकल से रिएक्शन होता है उस केमिकल को निकाल देना. तीसरा इज द स्टडीज हैव शोन दैट द मेथड कैन बी यूज सक्सेसफुली टू रीच द कॉन्टामिनेट्स डिस्पर्स इन द अंडरग्राउंड पॉन्ड्स एंड एट मच लोअर कॉस्ट देन द मेथड्स विच रिक्वायर पंपिंग द वाटर आउट ऑफ द ग्राउंड वाटर फॉर ट्रीटमेंट. तो यहाँ पे हम बोलते हैं कि स्टडीज ऐसा दिखाता है कि जहाँ पे हम बोलते हैं अंडरग्राउंड पॉन्ड्स में या हम बोलते हैं कि जहाँ अंडरग्राउंड वाटर्स में जो हम बोलते हैं कि कॉन्टेमिनेशन या धूल मिट्टी सब कुछ जो इकट्ठा होता है उसको निकालने के लिए उस वाटर मीन्स उस पानी को पंपिंग किया जाता है और हमें हम बोलते उस ट्रीटमेंट को इस्तेमाल कर उस ट्रीटमेंट को चलाने के लिए नैनो पार्टिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है. आगे हम बात करते हैं. देन नेक्स्ट पॉइंट इज chemical sensors. Nanotechnology can enable sensors to detect a very small amount of chemical vapors. Various types of the detecting elements such as carbon nanotubes, zinc oxide nanowires or palladium nanoparticles can be used in the nanotechnology based sensors. तो यहाँ पे आपको ये बताया गया है कि जैसे हम बोलते कि कार्बन जैसे हम बोलते कि केमिकल वेपर में हम बोलते हैं कि कितना अमाउंट है या हम बोलते हैं कि जैसे हम बोलते हैं कि केमिकल वेपर्स की अमाउंट कितना है तो वो जानने के लिए नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है. फिर उसको डिटेच करने के लिए कार्बन नैनो ट्यूब्स उसका इस्तेमाल किया कार्बन नैनो ट्यूब्स जिंक ऑक्साइड नैनो वायर्स इसका इस्तेमाल नैनो टेक्नोलॉजी में किया जाता है कि जिससे वजह से जिसे हम आगे देखने वाले हैं बिकॉज ऑफ द स्मॉल साइज ऑफ द नैनो ट्यूब्स नैनो वायर्स और नैनो पार्टिकल फ्यू गैस मोलिक्यूल्स आर सफिशियंट टू चेंज द इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सेंसिंग एलिमेंट्स. तो यहाँ पे आपको ऐसे बताया गया है कि ये जो हम बोलते हैं कि जो नैनो ट्यूब्स हैं नैनो वायर्स हैं नैनो पार्टिकल्स हैं या हम बोलते हैं कि जो फ्यू गैस मोलिक्यूल्स हैं ये सफिशियंट हैं हम बोलते हैं कि सेंसिंग एलिमेंट को चेंज करने के लिए. आगे हम देखते हैं स्पोर्टिंग गुड्स मतलब क्या. इफ़ यू आर द टेनिस और द गोल्फ मैन यू विल ग्लैड टू हियर दैट इवन द गुड हैज वॉन्डर्ड इन टू द नैनो रियाम दैट करंट नैनो टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन इन द स्पोर्ट्स arena including increasing the strength of tennis rackets, filling any imperfection in the club shaft materials and reducing the rate at which air leaks from the tennis balls. तो यहाँ पे हम बोलते हैं कि जो भी टेनिस प्लेयर हैं या गोल्फ फैन हैं तो हम बोलते हैं कि जो प्लेयर्स हैं उनको हम बोलते हैं कि उसमें जो
इस्तेमाल किया जाता है, जैसे बोले कि टेनिस रैकेट टेनिस रैकेट वगैरह, तो उसमें भी नैनो टेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन इस्तेमाल किया जाता है कि फिर फॉर एग्जांपल हम बोलते हैं कि जो सॉफ्ट हम बोलते हैं कि जो मटेरियल्स उसमें इस्तेमाल किया जाता है उसको हम बोलते हैं कि उसका रिड्यूसिंग द रेट एट विच एयर लीक्स फ्रॉम फ्रॉम द टेनिस बॉल, कि टेनिस बॉल के हम बोलते हैं कि ये मटेरियल बनाने में टेनिस बॉल हो या टेनिस रैकेट्स हो, तो ये मटेरियल बनाने में भी नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। फैब्रिक मेकिंग कॉम्पोजिट फैब्रिक्स विद द नैनो साइज पार्टिकल्स और फाइबर्स अलाउज द इम्प्रूवमेंट ऑफ द फैब्रिक प्रॉपर्टीज विदाउट सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द वेट थिकनेस एंड द स्टिफनेस एज माइट हैव बीन केस विद प्रीवियसली यूज टेक्निक्स। तो यहाँ पे हम बोलते हैं कि जैसे हम क्या बोल सकते हैं कि मेकिंग कॉम्पोजिट फैब्रिक्स विथ नैनो साइज पार्टिकल्स और फाइबर्स अलाउ द फैब्रिक प्रॉपर्टीज विदाउट सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द वेट थिकनेस एंड स्टिफनेस एज माइट हैव बीन केस विद द प्रीवियसली यूज टेक्निक्स। तो यहाँ पे फैब्रिक का इस्तेमाल किया जाता है जिसमें नैनो पार्टिकल्स इस्तेमाल किया जाता है और वो क्या करता है फैब्रिक प्रॉपर्टीज, जिसे हम बोलते हैं कि उसकी वेटनेस सॉरी उसका वेट उसका थिकनेस और उसकी स्टिफनेस जैसे प्रीवियस इस्तेमाल होता था उससे ज़्यादा बेहतर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी हम आगे देखने वाले हैं दैट इश्यूज ऑफ कंट्रोल एंड एसेस मिसयूज ऑफ टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे आपको क्या दिया है देखिए कि टेक्नोलॉजी का हम किस तरह से गलत इस्तेमाल करते हैं और उसको किस तरह से कंट्रोल करना चाहिए इस चैप्टर में हम देखने वाले हैं। Introduction. In today's world and times, control over technology is a patient issue. As a human civilization is making progress, it is becoming increasingly depend on the use of technology. Technological process is happening in the leaps and bounds. Science and technology provide one kind of the control, slowly freeing us from the ignorance, toil, pain and disease. Technology, science and invention have progressed at the accelerated rate during the 100 years of the 20th century. More so than any other centuries. We began the 20th century with infancy of airplanes, automobiles and radio when those inventions dazzled us with their novelty and wonder. We ended the 20th century with the spaceship, computers, cell phones and wireless internet at will being technologies we can take the granted. So, yahan pe aapko kya bataya hai ki jaise aajkal आजकल के रिसेंट आजकल के हम जमाने में या इन द रिसेंट ईयर्स दैट विदाउट टेक्नोलॉजी रहना ये हम सोच भी नहीं सकते या एक दिन हमारा ऐसा नहीं गुजरेगा कि जिसमें हमने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ना किया हो। तो साइंस ने बहुत सारी कोशिश की है 20th सेंचुरी तक और उसने प्रयास किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा नए इन्वेंशन नई खोज नई फैसिलिटीज आपको दिया जाए, लेकिन उसके साथ साथ हम बोलते कि कहीं ना कहीं हम बोलते कि जो हमारी कामनेस है या पेशेंस है वो हम खो देते हैं। जैसे हम बोलते कि यहाँ पे देखिए आपको एयरप्लेन्स है, ऑटोमोबाइल्स है, रेडियो है वगैरह, ये बहुत सारे ऐसे इन्वेंशन की जो हमारी डेली लाइफ में हम इस्तेमाल करते हैं। आगे बात करते हैं द रिलेशन बिटवीन द ह्यूमंस एंड द टेक्नोलॉजी। रिलेशन बिटवीन द ह्यूमंस एंड टेक्नोलॉजी द टेक्नोलॉजी सेंट्रिक सोसाइटी whether or not technology will take over into many of the very core areas of the society. Today's society is highly technology centric and there is a little which hasn't been touched by the automation or the other technological process. So aajkal ki jo society ya aajkal ka yug ya hum bolte hain ki pura ka pura technology based hai aur hum bolte hain isme zyada se zyada highly technology istemal kiya jata hai. आगे देखते हैं दैट मल्टीपल रोल ऑफ टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी इज टेकन एज अ स्पेशल प्रोग्रेस इन विच द टेक्निक्स प्रॉपर दैट इज टेक्निकल अपराट्स ऑफ इंडस्ट्रीज ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन इज बट पार्शियल फैक्टर। वी डू नॉट आस्क फॉर द इंफ्लुएंस और द इफेक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन द ह्यूमन इंडिविजुअल्स फॉर they are themselves the integral part of the factor technology not only as the man who invent and attack the machinery but also as a social group which direct is implication in utilization. Technology as a mode of production, the totality of the instrument, devices and controversies which characterize the machine age and thus at the same time the mode of organizing and perpetuating and social relationship and
मैनिफेस्टेशन, मैनिफेस्टेशन ऑफ प्रेवलेंट थॉट एंड द बिहेवियर पैटर्न्स एंड द इंस्ट्रूमेंट फॉर द कंट्रोल एंड कंट्रोल एंड डोमिनेशन। तो यहाँ पे आपको क्या बताया है कि जैसे हम बोलते हैं कि मल्टीपल रोल ऑफ टेक्नोलॉजी, तो टेक्नोलॉजी का हर एक, हम बोलते हैं कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हर एक फैक्टर में या हर एक सेक्टर में किस तरह से अलग अलग तरीके से किया जाता है। तो जैसे हम बोलते हैं कि जिसकी ज़्यादा इम्पैक्ट हमें ह्यूमन इंडिविजुअल्स पे दिखाई देती है, तो हम बोलते हैं कि जब इंटीग्रल पार्ट की बात हो या हम बोलते हैं कि आउट सोशल ग्रुप की बात हो, तो उसका यूटिलाइजेशन बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है। और उसको हम बोलते हैं कि जैसे एक कैरेक्टराइज मशीन की तरह हम उसको इस्तेमाल करते हैं, कि जैसे फॉर एग्जांपल उसको ऑर्गेनाइज करना, फिर उसको हम चेंज करना, फिर सोशल रिलेशनशिप या मैनिफेस्टेशन ऑफ प्रिवलेंट थॉट एंड बिहेवियर पैटर्न्स। तो जैसे फॉर एग्जांपल आजकल के युग में या आजकल के ज़माने में हम बोलते हैं कि फेसबुक अकाउंट ना होना या ईमेल ना होना, एक हम बोलते हैं कि एक जैसे ईमेल ना होना और फेसबुक अकाउंट ना होना, ट्विटर पे अकाउंट ना होना, एक बढ़िया सॉरी एक भद्दा सा आपके देखने का नज़रिया हो जाता है कि आपको इतना भी नहीं आता ऐसा। आगे बात करते हैं हम, अभी हम आगे बात करते हैं। टेक्नोलॉजी एज अ ट्विन एज वेपन, टेक्नोलॉजी सॉरी टेक्निक बाय इटसेल्फ कैन प्रमोट द ऑथोरिटेरियनिज्म एज वेल एज द लिबर्टी, स्कार्सिटी एज वेल एज द एब्डेंस एंड द एक्सटेंशन एज वेल एज द एबोल्यूशन ऑफ द टॉय। Thus, the communication technology can provide several facilities to us, but at the same time, it can enable the governments to have more privacy check on our interaction with the others. तो techniques हमको क्या बताएं कि जैसे हम बोलते कि techniques के साथ साथ liberty और हम बोलते कि scarcity और abundance, ये उसका कि for example किस तरह से उसको इस्तेमाल करना है ये आपको आना चाहिए। अगर उसका सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया तो आप उसमें धसते ही चले जाते हो, धसते ही चले जाते हो, धसते ही चले जाते हो। यहाँ पे क्या बताया कि कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आपको बहुत सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, बट उसके साथ साथ द गवर्नमेंट्स हैव टू हैव मोर प्रिवेसिव चेक ऑन अवर इंटरेक्शन विद द अदर्स, कि उसके साथ साथ कि हम किसके साथ इंटरेक्ट करते हैं या पूरा का पूरा डाटा हमारा उस मीन हम बोलते कि डाटा स्टोर होता है। आगे देखते हैं इंक्रीजिंग कंट्रोल ऑफ टेक्नोलॉजी ओवर, इंक्रीजिंग कंट्रोल ऑफ टेक्नोलॉजी ओवर आवर लाइफ। तो आवर ओवर डिपेंडेंस ऑन टेक्नोलॉजी हैज लेड टू द सेवरल प्रॉब्लम्स। मोबाइल फोन्स एंड इंटरनेट आर द टू गुड एग्जांपल। पीपल स्पेंड टू मच टाइम ऑन द नेट एंड डूइंग नथिंग, एंड ऑल्सो द इंटरनेट एंड मोबाइल फोन्स मेक द पीपल स्पेंड लेस टाइम टेकिंग फेस टू फेस। कि ज़्यादा से ज़्यादा अभी हम सबको पता है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करते हैं और मोबाइल फ़ोन पे ज़्यादा से ज़्यादा इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम एक्चुअली कुछ भी नहीं करते होते हैं कि हमें सामने सामने बोलने के लिए वक्त नहीं है, लेकिन हम घंटों उस पर गुजार देते हैं, घंटे उस पर गुजार देते हैं। दिस कैन बी द सीरियस प्रॉब्लम बिकॉज द पीपल गेट यूज टू टॉकिंग वाई मोबाइल फोन एंड इंटरनेट एवरी टाइम एंड लेटर दे कैन हैव द प्रॉब्लम इन द पर्सन। तो ये प्रॉब्लम आ जाती है। अभी हम देखते हैं व्हाई कंट्रोल ओवर द टेक्नोलॉजी इज नीडेड। अब वो पैराग्राफ शोज दैट ऑल्दो द टेक्नोलॉजी इज द प्रोडक्ट ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन, इट इज ट्राइंग टू ओवरराइड ह्यूमंस एंड इट कैन बी मिसयूज एज वी शैल सी द लेटर। इट कैन बी द डेंजरस, इट कैन बी द डेंजरस नॉट ओनली फॉर द हेल्थ सेफ्टी एंड पीस ऑफ द ह्यूमन सोसाइटी, बट इट कुड बी It could also prove as a death knell for the human civilization. The nucleus overkill which our generations are living under shows that we have the capacity to destroy the whole earth several times with excessive number of nuclear weapons in our possessions. Hence, it is very essential to have control over the technology. The first point is there is an overdependence of the human over technologies, making them weak. Okay? किस तरह से हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे हमको ये कि हाँ कोई भी टेक्नोलॉजी का जब भी हम इस्तेमाल करते हैं तो हमारी उसके लिए हमारी सेफ्टी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हमारी हेल्थ ज़्यादा इम्पोर्टेंस है और हमारी पीसफुल लाइफ हम जो जीना चाहते हैं वो इम्पोर्टेंट है, ना कि टेक्नोलॉजी। तो जितना ज़्यादा ओवर डिपेंडेंस होगा उससे थोड़ा कम किया जाए। दूसरा है टेक्नोलॉजी ओवर यूज मेकिंग ह्यूमन लाइफ मोर मैकेनिज्म्स एंड लेस इमोशन। तो ज़्यादा मैकेनिज्म वाला लाइफ हम जीते हैं और हम बोलते हैं कि लेस इमोशंस वाले हो जाते हैं। दैट इज़ अ जनरल डिजेनरेशन
इन द ह्यूमन रिलेशन ड्यू टू ओवर यूज ऑफ एंड ओवर डिपेंडेंस ऑन द टेक्नोलॉजी। तो जो हमारी जो जनरेशन है, जनरल जो हमारे ह्यूमन रिलेशंस है वो डीजनरेट हो जाते हैं, क्योंकि हमें एक दूसरे के लिए टाइम ही नहीं है, एक दूसरे के साथ बात करने के लिए टाइम नहीं है, ना ही हम एक दूसरे के साथ वक्त गुजार सकते हैं। जितना ज़्यादा हम एक दूसरे के साथ मीन्स हमारा रिलेशंस, हमारे फैमिली, हमारे पीयर्स, हमारे बोलते कि फ्रेंड्स के साथ जितना ज़्यादा हम टाइम स्पेंड करेंगे, उतना ज़्यादा हमें खुद अच्छा लगेगा, खुद के साथ हम अपना जब ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे। लेकिन हम तो हम आजकल देखते हैं कि ट्रेन में, बस में, हर जगह पे हर एक के हाथ में इंसान चलता चलता हुआ जाता है, लेकिन उसको जितना मोबाइल में घुसता जाता है, उतना इंटरनेट में घुसता जाता है, उतना उसमें अपने के लिए टाइम नहीं है। टेक्नोलॉजी इज़ बीइंग यूज्ड बाय द पर्सन फॉर रॉन्ग पर्पसेस। फॉर एग्जांपल द यूज ऑफ फोनोग्राफी फॉर डिस्कवरिंग द सेक्स ऑफ फीटस व्हिच लीड्स एट द टाइम्स ऑफ किलिंग फीमेल पोटेंशियल। तो टेक्नोलॉजी का ठीक से इस्तेमाल करना वो हमें आना चाहिए। जैसे हम बोलते हैं कि जैसे सोनोग्राफी का इस्तेमाल मीन्स एक्चुअली उसको एडवांटेज में देखा जाए तो फीटस मीन्स जो बच्चा है, तो बच्चे की जान को कोई खतरा नहीं है वगैरह वगैरह, उस किस कंडीशन में उसको देखा जाता है। लेकिन यहाँ पे सोनोग्राफी का इस्तेमाल कि अगर लड़की है तो लड़की को गिराने के लिए किया जाता है, किलिंग ऑफ फीमेल फीटस। देन ओवर यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इज किलिंग अवर नेचुरल क्वालिटीज एंड कैपेसिटीज। कि ज़्यादा जब हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने लगते तो हम हमारी नेचुरल कैलिमिटीज खो देते हैं, क्वालिटीज खो देते हैं। फॉर एग्जाम्पल पीपल आर नाउडस अनेबल टू डू सिंपल कैलकुलेशन एज दे डिपेंड हैविली ऑन द कैलकुलेटर्स। कि वो कैलकुलेटर्स पे ज़्यादा डिपेंड है, कि वो जनरल जैसे वर्बल हम बोलते कि जैसे कैलकुलेशन होने चाहिए वैसे उनको आता नहीं आजकल के बच्चों को भी। टेक्नोलॉजी इज मेकिंग लाइफ फेसलेस, डिटर्मिनिस्टिक एंड टू स्ट्रक्चर एंड किलिंग ह्यूमन क्रिएटिविटी। कि ह्यूमन क्रिएटिविटी को मार देता है टेक्नोलॉजी। इज लीडिंग टू सेवरल एथिक इश्यूज विच कैन बी इजिली अवॉइडेड। क्लोथिंग, जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड्स, सिलेक्शन ऑफ डिजाइनर जेंट्स फॉर गिविंग बर्थ बेबीज एंड डिजायर हाइट दैट कॉम्प्लेक्शन एंड अदर फिजिकल एट्रीब्यूट्स हैव थ्रोन मेनी क्वेश्चंस विच हैव नॉट बीन आंसर। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं कि जिसके आंसर हम नहीं दे सकते। जैसे हम टेक्नोलॉजी का जब इस्तेमाल सब हद से ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो वो हम बोलते कि क्लोथिंग हो, या हम बोलते कि GM फूड्स हो, या हम बोलते कि सिलेक्शन ऑफ डिजाइनर जेंट्स हो, तो फॉर गिविंग बर्थ टू बेबीज जैसे हो, डिजायर हाइट, कॉम्प्लेक्शन, फिजिकल एट्रीब्यूट्स, ये सब में उसके कोई पास उसके आंसर हमारे पास है ही नहीं। आगे हम देखते हैं, देन फॉर्म सम कंट्रोल ओवर द टेक्नोलॉजी। देयर इज नो डाउट द डेवलपमेंट एंड द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी नीड्स टू बी ब्रॉट अंडर द इफेक्टिव कंट्रोल। इट रिक्वायर्स द प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रॉब्लम कॉज बाय द टेक्नोलॉजी। इट ऑल्सो रिक्वायर्स द कंसेंसस अमंग द पीपल। फॉलोइंग फॉर्म्स ऑफ कंट्रोल ओवर द टेक्नोलॉजी कैन बी एनविसेज that first point, state control. The state can control the use of technology through the legislation and executive orders. For example, cyber technology can be regulated through the cyber laws. अभी जो cyber technology है वो cyber laws के through control किया जाता है। Government put the limits on the technology at the 3 stages. जैसे for example, before the invention, during its use and after use it banned. कि गवर्नमेंट किस पे हम बोलते हैं कि उस टेक्नोलॉजी पे किस पे 3 स्टेज में बढ़ा गए। जैसे उसको इस्तेमाल करने से पहले हम बोलते हैं कि उसको इस्तेमाल करने के दौरान और उसको इस्तेमाल करने के बाद बंद किया जाता है, बट रोक लगा दी जाती है। फॉर एग्जांपल देर आर कंट्रोल ओवर द डेवलपमेंट ऑफ बायो इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजीज। कि बायो टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग पे रोक लगाया गया है। आगे हम देखते हैं, एंड देर आर सिवरल एग्जाम्पल कंट्रोल ओवर द टेक्नोलॉजी ड्यूरिंग इट्स यूज। द रिसेंट डिसीजन बाई इंडियन गवर्नमेंट टू पनिश दोज हु सेंड फोनोग्राफिक MMS टू द वीमेन इज वन ऑफ द एग्जाम्पल। तो फोनोग्राफिक MMS जो भेजते हैं वीमेन को उसके लिए एक इंडियन गवर्नमेंट ने एक पनिशमेंट तय किया है। या हम बोलते कि इंटरनेट में ये सब कुछ ईजिली मिल जाता है तो कभी कभी रोक लगाया जाता है। दैर इज़ द बैन ओवर द डेवलपमेंट ऑफ केमिकल एंड बायोलॉजिकल वेपन्स। तो ये जो हम बोलते कि केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन्स जब बनाए जाते हैं या उसका डेवलपमेंट किया जाता है तो ऐसे साइट्स को बंद कर दिया जाता है। देन नेक्स्ट पॉइंट इज रोल ऑफ NGO।
सिविल सोसाइटी कैन प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन एक्सरसाइजिंग कंट्रोल ओवर द टेक्नोलॉजी यूज, टेक्नोलॉजी का किस तरह से उसको इस्तेमाल करना है, और इसीलिए सिविल सोसाइटी इस पर क्या सिविल सोसाइटी इसमें उसका ज़्यादा योगदान होता है। एनजीओ कैन लॉबी विद द गवर्नमेंट, एजुकेट द पीपल, जनरेट द कंसेंसस एक्सेट्रा। फॉर एग्जाम्पल ग्रीन पीस एंड इंटरनेशनल एनजीओ इज वर्किंग टूवर्ड्स द न्यूक्लियर वेपन फ्री वर्ल्ड थ्रू फ्री वर्ल्ड थ्रू क्या सकते हैं फ्री वर्ल्ड थ्रू वैकेंसी। तो यहाँ पे जैसे सिविल सोसाइटी का जितना योगदान होता है उतना ही एनजीओ का भी योगदान होता है, कि जैसे एनजीओ क्या करते हैं गवर्नमेंट के साथ मिलके लोगों को इसको एजुकेट करना, फिर उसको हम बोलते हैं कि सबका सबको यूनिट सबको एक यूनिट की तरह प्रेजेंट करना। जैसे हम बोलते हैं कि ग्रीन पीस एंड इंटरनेशनल एनजीओ वर्किंग टूवर्ड्स ए न्यूक्लियर वेपन फ्री वर्ल्ड थ्रू एडवोकेसी। तो न्यूक्लियर वेपन किस तरह से बनाए जाते हैं और न्यूक्लियर वेपन्स में हम बोलते हैं न्यूक्लियर वेपन्स कैसे बनाए जाते हैं उसे नहीं, लेकिन ग्रीन पीस है जो इंटरनेशनल हम बोलते हैं कि ग्रीन पीस ये आपको ये बताता है कि न्यूक्लियर वेपन को किस तरह से रेडी किया जाए, तो उसका एड आपको दिखाया जाता है। कंट्रोल थ्रू द सेल्फ कंस्ट्रेंट, सिंस द टेक्नोलॉजी इज द प्रोडक्ट ऑफ द ह्यूमन एफर्ट्स, इट इज़ वेरी मच हैंड्स ऑफ द ह्यूमंस टू हैव द कंस्ट्रेंट्स ओवर इट्स यूज। सेवरल थिंकर्स एक्टिविस्ट एंड द एनजीओ आर प्रमोटिंग द वेज टू रिड्यूस एंड डिपेंडेंसी ऑन द टेक्नोलॉजी। एंड अमेरिकन ग्रुप प्रमोटेड द सर्टेन प्रिंसिपल ऑफ अनप्लगिंग। तो हम बोलते हैं कि टेक्नोलॉजी क्या है, तो टेक्नोलॉजी एक हम बोलते हैं कि ह्यूमन एफर्ट्स है जो हम बोलते हैं कि उसको कंस्ट्रेंट करना, उसका यूज़ करना हमारे हाथ में, उसका किस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए। आगे हम बात करते हैं कि जो थिंकर्स हैं, जो एक्टिविस्ट हैं, जो एनजीओ हैं, तो वो हम बोलते हैं कि टेक्नोलॉजी पे ज़्यादा उनको डिपेंड नहीं रहना चाहिए। और इसके लिए जो अमेरिकन ग्रुप है, जो हम बोलते हैं कि सम अमेरिकन ग्रुप्स व्हाट वी कैन से दैट जस्ट मिनट हाँ अमेरिकन ग्रुप्स हैं जो हम बोलते हैं कि सर्टेन प्रिंसिपल ऑन अनप्लगिंग को प्रमोट करते हैं कि किस तरह से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कम करना चाहिए। लेकिन हम मुझे यहाँ पे जैसे मेरे ख्याल से या मेरे मेरे ध्यान में रखते हैं कि हम जो बोलते हैं कि जो पूरा का पूरा डेवलपमेंट है पूरा का पूरा टेक्नोलॉजी पे डिपेंड है, तो फिर भी वो हमें बता रहे हैं कि हाँ हमें किस तरह से उसका इस्तेमाल कम करना चाहिए। देन आगे बात करते हैं issues related to access to the technology include easy availability and affordability for all. Although great leaps have taken place as far as reach of the technology is concerned, large section of the masses still remain deprived from the benefits of the technology in the general. जैसे हम बात करते हैं कि जैसे टेक्नोलॉजी और हम बोलते हैं कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं ईजीली अवेलेबल हो जाती है हमारे लिए सब कुछ चीज़ें, पूरी दुनिया हमारे हाथ में हो जाती है। लेकिन जब तक हम उस लेवल पे पहुंच जाते हैं कि जहाँ पे बहुत सारे लोग या हम बोलते हैं कि टेक्नोलॉजी का जनरल में उसका बेनिफिट क्या है उससे हम वो लोगों को पहचान ही नहीं पाते, ज़्यादातर लोग तो उसका मिस यूज ही करते हैं। रीजन ऑफ हिंड्रेंस इन द फ्री यूज ऑफ द टेक्नोलॉजी, फर्स्ट पॉइंट इज इनोवेटर्स राइट। एज द टेक्नोलॉजी इज डेवलप्ड बाय द इनोवेटर्स ही कैन हैव द लेजिटिमेट राइट ऑन इट्स यूज, कि अगर किसी ने एप्लीकेशन बनाया है इनोवेटर्स राइट तो उस पर उसने थोड़ा सा रोक भी लगाया है या उसका लॉ भी बना है, दिस इज कॉल्ड अ पैटर्न। उसको किस तरह से उसको क्या बताया जाता है पैटर्न, अ पैटर्न इज एन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। को उस इन्वेंशन को या हम बोलते इस किस तरह से इस्तेमाल करना है, किस तरह से इस्तेमाल करना है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, कि दिमाग लगा के आप उसको इस्तेमाल कीजिए। दैट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट आर राइट गिवन टू द पर्सन और द कॉर्पोरेशन ओवर द मेंटल क्रिएशन सच एज ऑथर्स कॉपीराइट इन द बुक ऑफ द राइट ऑफ म्यूजिशियन इन द रिकॉर्डिंग कंपनीज विद इंस्टिंक्ट ट्रेडमार्क
ऑन द प्रोडक्ट और द पैटर्न टेक्नोलॉजिकल इन्वेंशन. कॉपी राइट मीन्स हम बोलते पैटर्न क्यों, पैटर्न मीन्स हम बोलते पैटर्न बोला ना, पैटर्न इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मीन्स ये राइट किसको दिया जाता है, द पर्सन हु आर वर्किंग इन द कॉरपोरेशन. दूसरा है ऑथर्स की कॉपी राइट, ऑथर्स की ऑथर्स को दिया जाता है. फिर बोलते हैं म्यूजिशियन को दिया जाता है जो रिकॉर्डिंग करते हैं. फिर हम बोलते हैं कि कंपनी के जो डिस्टिंक्टिव ट्रेडमार्क्स होते हैं वहाँ पे उनको कंपनी को दिया जाता है. अ पैटर्न गिव्स इट्स ओनर द राइट टू प्रिवेंट अदर्स फ्रॉम मेकिंग यूजिंग इम्पोर्टिंग और सेलिंग एन इन्वेंशन. कि ये पर्टिकुलर हम बोलते हैं कि ये जो इसको दिया गया है तो उसका इस्तेमाल वही लोग कर सकते हैं. इन द अदर वर्ड्स पैटेंटिंग एंड इन्वेंशन गिव्स द पैटर्न ओनर मोनोपोली ओवर द इन्वेंशन. इन दूसरी बात दूसरे शब्दों में बोला जाए तो वो पैटेंट है आपको क्या कहता है कि मोनोपोली हम बोलते हैं कि ओनर द मोनोपोली ओवर द इन्वेंशन. इन्वेंशन हम किस तरह से करते हैं और उससे आपको ये पैटर्न दिया जाता है. द पैटर्न इज यूजली ग्रांटेड फॉर द लिमिटेड टाइम सच एज 20 ईयर्स. और आपको पैटर्न पर्टिकुलर डेज के लिए दिया जाता है, ईयर्स के लिए दिया जाता है. 20 ईयर्स को दिए 20 ईयर्स. पैटर्न होल्डर में चार्ज फीस फॉर इज यूज बाई अदर्स इन द सम केसेस. तो आपको यहाँ पे ये बताया जाता है द गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शन इन द सम केसेस गवर्नमेंट इम्पोज द रिस्ट्रिक्शन ऑन द यूज ऑफ सर्टेन टेक्नोलॉजी फॉर द फॉलोइंग रीजन दैट इस हाँ द सेड टेक्नोलॉजी माइट बी पोटेंशियली हार्मफुल टू द मासेस. फॉर एग्जांपल डेवलपमेंट ऑफ सर्टेन टाइप्स ऑफ वायरसेस इन लेबोरेटरीज. ये अगर इस टेक्नोलॉजी का हम बोलते हैं कि जैसे टेक्नोलॉजी थ्रू ये बताया गया है हम बोलते हैं कि किस तरह से वायरस लेबोरेटरीज में डेवलप किया जाता है तो उसका टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया तो हर एक के लिए धोखा हो सकता है. There could be some moral questions involved in the use of such technologies. For example, cloning human embryos. और इसके लिए हम बोलते कि कुछ उस पर मोरल क्वेश्चन उसमें इन्वॉल्व होते हैं कि सपोज क्लोनिंग के जैसे हम बोलते क्लोनिंग ह्यूमन embryos तो उसके लिए ये टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं वो एक मोरल क्वेश्चन हो जाता है. आगे देखते हैं कि इकोनॉमिक reason patents are justified by the argument that the innovator has to recover money he invested while doing research the development. Secondly, he should be rewarded monetarily for his innovation and hence contribution to the society's progress. This however makes that patent technology expensive and hence unaffordable and inaccessible to the many potential users. Economic reason. तो पैटर्न जैसे आपको जस्टिफाइड किया जाता है कि 20 ईयर्स के लिए या उसके लिए इस्तेमाल किया कर सकते हैं तो वो किसके लिए. तो जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई रिसर्च कर रहे हो आप हाँ दैट टू रिकवर द मनी एंड ही इन्वेस्टर वर डूइंग रिसर्च द डेवलपमेंट. सेकेंडली ही शुड रिवॉर्डेड मॉनिटरली फॉर हिज इनोवेशन एंड हैंस कंट्रीब्यूशन टू द सोसाइटी. अगर वो रिसर्च कर रहा है तो वो सोसाइटी के प्रोग्रेस के लिए होना चाहिए. और सो इसके लिए आपको पैटर्न दिया जाता है. तो पैटेंटेड टेक्नोलॉजी एक्सपेंसिव ये ज़्यादा महंगी होती है अनअफोर्डेबल होती है एंड इनएसेसिबल टू मैनी पोटेंशियल यूजर्स. कि पोटेंशियल यूजर्स के लिए वो एसेसिबल इनएसेसिबल होती है. सो वी शैल स्टॉप हियर. वी शैल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर.